देखिए मुर्गे की कलेजी और पोटा हमने यहाँ पर बनाया है, बिना मसाला पिसे हुए इसे बनाया है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो आप इस तरीके से अपने घर में इसे ज़रूर बनाइए, खाइए, और पसंद आया तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। मुर्गी की कलेजी और पोटा बनाने का मेथड आपको हम बोलेंगे। नमस्ते दोस्तों, हमारे फासुमा किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं मुर्गे की कलेजी और पोटा किस तरीके से बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है, देखिए मुर्गे की हमने कलेजी ली है और इसे कहते हैं पोटा। इस तरीके से पोटे को हमने अच्छे से कट कर लिया है और कलेजी को भी कट करके लिया है। और हमने लिया है हरा धनिया कटा हुआ, एक कांदा कटा हुआ, तेज पत्ता, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, एक टमाटर कटा हुआ, नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये हमने लिया है चिकन मसाला। इससे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी हमारा पोटा कलेजी का सब्जी बनेगा। तो हम अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कलेजी और पोटा ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे पानी और इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसे अच्छे से धो के साफ कर लेते हैं। दो तीन पानी से हमें इसी तरीके से इसे साफ करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने मुर्गे की कलेजी और पोटा धो के अच्छे से साफ कर लिया है। हम गैस ऑन करेंगे, एक टोप रखेंगे गैस पर और इसमें हम डालेंगे कलेजी और पोटा जो कि हमने धो के लिया है। इसमें अब हम डालेंगे पानी और डालेंगे अब नमक, थोड़ा सा हम डालेंगे हल्दी पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे उबलने देंगे ताकि ये पक जाए अच्छे से। देखिए इस तरीके से ये अच्छे से उबल रहा है, देखिए अब ये पकने वाला है। इसे हम 5 मिनट के लिए रहने देंगे गैस पर। और तो देखिए अब अच्छे से ये पक चुका है। कलेजी तो बहुत ही जल्दी पक जाती है लेकिन ये पोटा पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम इसे मसाले के साथ भी पकाना है हमें, तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम साइड में हटा देते हैं। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और कढ़ाई रख देंगे, कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें तेल डालेंगे, तेल को हम गर्म होने देंगे। गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ कांदा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे कांदे को तेल में। कांदे को हम थोड़ा ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन हमें नहीं करना है। तो देखिए कांदे को हमने लाइट ब्राउन किया है, हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है इसे। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर, मिक्स कर लेंगे इसे भी अच्छे से। टमाटर को हमें अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है तेल में। टमाटर को हमने अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है तेल में। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, नमक को हमने बॉईल करने में भी डाला था कलेजी और पोटा में। अब हम इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर, एक साथ डाल दिया है हमने और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक मिनट इसे हम भून लेंगे, एक मिनट हमने इसे भून लिया है।
अब हम इसमें डालते हैं कलेजी और पोटा जो कि हमने पहले से बॉईल कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। जितना पानी हमने बॉईल करने में डाला था उतना ही पानी हम इसमें रहने देंगे, अलग से पानी हमें नहीं डालना है। इसी पानी में इसे पकाना है ताकि पानी अच्छे से थोड़ा सा सूख जाए और ग्रेवी हमारी अच्छे से गाढ़ी हो जाए। तो अब हम इसे ढककर और गैस का फ्लेम हम हाई कर लेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। अब हम एक बार ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। तो देखिए अच्छे से पानी इसका सूख चुका है, अच्छी ग्रेवी हमारी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। इसे हमने बिना मसाले पीसे बनाया है, ये बहुत स्वादिष्ट बना है। तो देखिए अब हम इसे 5 मिनट ढककर रख देते हैं, थोड़ा सा और सूखा कर लेंगे और अच्छा सही से पका भी लेंगे हम। और देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हम ढक्कन को हटा लेंगे और देखिए काफ़ी अच्छे से सूख चुका है पानी इसका। देखिए बहुत ही अच्छी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। तो हमें इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, ऐसा ही हम इसे सूखा बनाएंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे चिकन मसाला, हमने आपको बताया था इससे बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी बनेगा हमारा ये सब्जी। तो हम इसमें मिला लेंगे, आधा पैकेट हमने डाला है छोटा वाला। और अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है, गैस हम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे। देखिए मुर्गे की कलेजी और पोटा हमने यहाँ पर बनाया है, बिना मसाला पीसे हुए इसे बनाया है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो आप इस तरीके से अपने घर में इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और पसंद आया तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। तो रुक जाओ 5 मिनट, क्या नहीं।